गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एलपी का जो नेक्स्ट सेट का है 2014 का क्वेश्चन है वो आपको फिर दिया जा रहा है। देखिए इसका तरीका, ये सब सवाल आपको पूछा हुआ सवाल है, ऐसे सेट का बना हुआ सवाल नहीं है, स्पार्क सेट है, स्पार्क पब्लिकेशन का सेट का है, वही इसी का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्त, ये स्पार्क पब्लिकेशन का सेट का क्वेश्चन है। मैथ तो आपको लग ही जाएगा, मैथ छूटने वाला नहीं है। आप हमारा वीडियो देखते जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है वीडियो, आपका ये छूटेगा नहीं एक भी सवाल। सारा का सारा आप एलपी टेक्नीशियन में जो आता है मैथ्स, वो आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे साइंस भी दिया जा रहा है, साइंस भी मिलता रहेगा किसी किसी भी। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन। एक कामगार ने कामगार के वेतन पहले 30% बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उसमें 30% की कमी कर दी जाती है, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो पहले 30% बढ़ा दिया गया, फिर 30% की कमी कर दिया गया, इसके बाद प्लस माइनस माइनस 30 × 30 बटा में 100। आप इसको इससे काट लीजिए, इसको इससे काट लीजिए, 30 और 30 से काट लीजिए और आपको मिलेगा 33 × 9 माइनस का 9% की शुद्ध परिवर्तन हो जाएगा, 9% माइनस की। आइए चलिए, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 2 अंक हैं, उनके योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो संख्या क्या है? मान लो कि संख्या आपका x, अंक मान लीजिए अंक है, अंक एक x है, दूसरा अंक आपका y है, और संख्या क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई। कह रहा है कि दोनों का जो कितना है 7 है, x प्लस वाई इक्वल टू आपका 7 है। संख्या में 27 जोड़ दिया जाए यानी 10x + y, तो इसका अंक बदल जाता है, अंतर लिख लो 10y - x = 27 का अंतर है, तो 9x - y मिलेगा इसमें, 10 में से गया 9 और 10 में से गया 9 बराबर यहाँ 27, 9 × 3 = 27 यानी आपको मिला क्या x - y = 3, आइए मिला आपको x + y = 7। अब इसको इससे काट दीजिए 2x = 10, इसे काटिए 5, तो x = 5, जब x = 5 आ गया तो यहाँ 5 रख दीजिए, 5 - y = 3 -y = 3 - 5 - y = आपको यहाँ 3 है, -2 हो जाएगा, -काटिए y = 2, तो संख्या निकालना है तो संख्या आप निकाल दीजिए 10x + y यानी 10 × 5 + 2 यानी 52। ये आपका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं के बीच का अनुपात प्रत्येक के साथ 1 जोड़ने पर 1:2 हो जाता है, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 3:7 बन जाता है, तो संख्या क्या होगा? संख्या मान लीजिए आपका क्या है x / y है, दो संख्याओं का अनुपात, इसमें से प्रत्येक के साथ 1 जोड़ने पर आपका क्या मिलता है 1/2। समीकरण निकाल लीजिए 2x + 2 = y + 1 यानी 2x - y = 1 - 2 यानी 2x - y = -1। पहला इक्वेशन मिल गया, दूसरा कह रहा है इसमें से 5 घटा दिया जाए, x - 5 / y - 5 = 3/4। अब इसका कर लीजिए कितना 7x - 35 = 3y - 15। अब आपका आ जाएगा 7x - 3y = -15 + 35। अब आपका कितना आ जाएगा 7x + -3y = 20। 0 0 2। आज ये समीकरण पहले का कितना निकला था, ये 2x - y = -1, इसमें गुणा करा दीजिए 3 से, इसमें 1 से। अब आ जाएगा कहा 7x - 3y = 20 और 3 × 6x - 3y = -3। चलिए घटा दीजिए, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। अब आपको इसको काट दीजिएगा, ये आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका वाई एक्स मिलेगा, एक्स बराबर इसको जोड़िएगा तो आपको 23 मिलेगा। अब एक्स के वैल्यू अगर आपका कितना आ गया 23 आ गया, तो वाई की वैल्यू निकाल लीजिए 2x - y = आपका -1, तो 2 × 23 - y = -1 23 × 46 46 - y = -1 -y = -1 - 46 यानी y का वैल्यू आपका आ जाएगा -47। माइनस माइनस कर दीजिए y = 47, तो संख्या हो जाएगा कितना 23/47 यानी भिन्न हो जाएगा x बटा y
इक्वल टू 23/47 से आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, बढ़िया से ये समीकरण है, 10th क्लास के सवाल के टाइप का सवाल है, तो 10th का आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ओके थैंक्स। क्वेश्चन मेरे दोस्त आगे देखते हैं, उसी सेट का क्वेश्चन है, किसी धन राशि को 2 वर्षों के लिए सरल ब्याज की दर, सरल ब्याज की किसी दर पर निवेश किया जाए, यदि वह उसका निवेश 3% अधिक दर पर करता होता तो ब्याज के रूप में 450 रुपया अधिक मिल जाते, तो धन राशि क्या है? मान लो धन राशि P है, अंतर इसका क्या है, दर कितना है, दर इसका R है और समय कितना है 2 है, अंतर कितना 100 का, माइनस में कर दो 3% अधिक का मतलब क्या हो गया, 3% यानी R+3 और गुणे 2 वर्ष, अंतर कितना 100 का, इक्वल टू कितना 450, तो धन राशि क्या था, धन राशि निकालना है आपको, तो आप क्या करें, यहाँ P2PR+6P इसे गुना करा दिया, 3×6P और माइनस 2PR इक्वल टू ये 100 का गुना यहाँ से कर लो 45 है, गुने 100 कर लो, ये दोनों का लघु उत्तम, इस दोनों में गुना करा दिया, गुणों में अंतर निकाल दिया, ये दिस कैंसिल, 6P बराबर आ जाएगा कितना 450×100, चलिए इसे काट दीजिए 6 से कर जाएगा कितने बार में, 3×6 50×100 3×15 45 150, यानी P बराबर हो जाएगा 5×75 700 5×75 2×0 यानी 7500 रुपया आपका आंसर। आगे देखिए, एक इस गन मेटल का खंड ताम्र का 12 भाग, टीन का 3 भाग और जस्ता का 0.5 भाग है, यदि खंड का वजन कितना है तो जस्तांश कितना है, तो जस्तांश के लिए आप क्या करें, जस्तांश यानी जस्तांश का भाग निकालिएगा तो 0.5/1 कितना है, ये सब को जोड़ दीजिए 12+3+0.5 गुणे 108 करिए, अब 12×3=15 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, ये आएगा 15 यानी 0.5 गुणे 108/15 75 0.5 को हटा देंगे, इसको गुना करें ये 75 नहीं आएगा दोस्त, ये आ जाएगा का 12.5 यानी 15.5 ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.5 रहेगा, ये 12×3=15 108 पॉइंट का वैल्यू उड़ा देंगे, खत्म हो जाएगा, अब ये काटो तो ये भी खत्म, इससे कट जाएगा 5×15 5×5 8 8×8 8 ये कटेगा कितने बार में 108/31 5×5 5×3=15 कट गया, ये आपका कटेगा, इसमें भाग लगा लो तो 108/3 31 तो ये कितना बार हो जाएगा 8×5×8 3×6 आपका आ जाएगा कितना 3×3=9 3×3=9 ये 5×5 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 1.0 5×5 5×15 4 4×4 4×3=12 आ जाएगा कितना 6 ये आ जाएगा 2 यानी आपका आ जाएगा 3.4 लगभग में ये आपका लगभग में यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, आप इसे अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपसे मेरा गुजारिश है लाइक कीजिएगा तो उससे मेरा बनाने वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा, यही आपसे गुजारिश है, थैंक यू।